Q1 यानी ऐसे काम जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी। अपनी 80s की हिंदी फिल्मों के हीरो पूरे टाइम Q1 में जीते थे, सारी दुनिया का बोझ उठाए हुए। कभी किसी स्मगलर की पिटाई कर रहे हैं, कभी जुए के अड्डों में आग लगा रहे हैं, फिर हीरोइन की जान बचा रहे हैं, बाजार में बम फटने से भी रोकना है, और मम्मी का ऑपरेशन तो है ही। जोक सपाट, थोड़ा Q1 सबके लाइफ में रहेगा, इट इज नॉर्मल। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई दोस्त रिश्तेदार कलीग किसी तकलीफ में पड़ जाए और हमें उनके सपोर्ट के लिए अपने प्लान्स बदलने पड़े, वो एक बात है। पर कुछ लोग अपनी लापरवाही के कारण पूरे टाइम Q1 में रहते हैं, जब तक Q1 उन्हें कच्चा चबाकर निगल नहीं जाता। अब अगर आप स्टूडेंट हैं, 2 हफ्ते में एग्जाम्स हैं और आप किताबें खरीद रहे हैं, या एज अ प्रोफेशनल आपके प्रोजेक्ट की डिलीवरी डेट सिर पे है और एक बेसिक मॉडल के सिवा कुछ तैयार नहीं है, या आम रोजमर्रा लाइफ में फर्ज करिए कि आप डायबिटिक हैं पर आपको जो दवाई और एक्सरसाइज शेड्यूल बताया गया है आप उसे फॉलो नहीं करते, नतीजा ये कि हर 6 महीने आपका ब्लड शुगर ऐसा बिगड़ता है कि आपको लेकर अस्पताल भागना पड़ता है, जो आपके और आपके परिवार के लिए एक Q1 क्राइसिस सिचुएशन बन जाती है। ये साफ है कि Q1 एक हाई स्ट्रेस जोन है जिसमें ज्यादा देर कोई नहीं रहना चाहता। जो लोग बार बार इसमें फंसते हैं उनके लिए राहत का इकलौता ठिकाना बनती है Q4 की नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट दुनिया, यानी फालतू काम, टाइम पास, गपबाजी, बिना जरूरत की शॉपिंग, जरूरत से ज्यादा पार्टी, नशे और यही सब। Q3 वो काम है जो अर्जेंट हैं पर इम्पॉर्टेंट नहीं। 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं। कॉलेज का एक पुराना दोस्त एक दिन के लिए आपके शहर आया है और शाम को मिलने की जिद करता है। आप अपने काम से 2 घंटे पहले छुट्टी लेकर चल देते हैं। सुंदर पुरानी यादें ताज़ा की जाती हैं, रात काफ़ी लेट हो जाता है और अगले दिन आप हाफ डे लेकर लंच के बाद ही काम पर पहुंच पाते हैं। दूसरा, एक कलीग अपने प्रोजेक्ट में आपसे मदद मांगती है। काम की डेडलाइन नज़दीक है, वो थोड़ी परेशानी में है, आपको उस मॉड्यूल का एक्सपीरियंस है और आप अपना काम छोड़ उन्हें सपोर्ट करते हैं। देखिए, हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अपने दोस्तों और कलीग्स की बेकदरी करी जाए या ज़रूरत के वक्त उनकी मदद ना की जाए। मजबूत रिश्ते और कोलैबोरेशंस लाइफ के सबसे बड़े रिवॉर्ड्स हैं। पर ध्यान रखिए, अर्जेंट काम हमेशा ऐसे इम्पॉर्टेंट कामों की कॉस्ट पर किए जाते हैं जो हमें अपने गोल्स के करीब ले जाते। किसी गंभीर आदमी ने कहा है कि हमारे हाँ में उतनी ही ताकत हो सकती है जितनी हमारी ना में, उससे ज़्यादा नहीं। तो उन कामों को जो किसी और की ज़रूरतों के पैमाने पर अर्जेंट हैं, बिना हिचक मुस्कुरा कर ना बोलने की समझ पैदा करना क्रिटिकल है। Q3 और Q4 में ज़्यादा टाइम गुजारना एक गैर जिम्मेदार जिंदगी जीना है। ये एक सिम्टम है, एक लक्षण जो दिखाता है कि आपके लाइफ में कोई लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं है, लाइफ में गहरी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं है, कोई कला कोई शौक नहीं है, मनोरंजन के लिए टेलीविजन है बस। प्रोफेशनल फ्रंट पर ये कह सकते हैं कि आपका कोई करियर नहीं है, कोई नौकरी हो सकती है जहां आप जाते हैं और जो कहा जाए कर देते हैं, क्योंकि गहरी दोस्ती, गहरा प्यार, मीनिंगफुल करियर्स जहां आप सिर्फ अपना नहीं अपने काम से औरों का भी भला कर सकें, ये Q3 Q4 की मटरगश्ती से नहीं पनपते। इनके लिए हमें चाहिए Q2 की नींव मजबूत करने वाली एक्टिविटीज़, जिनके बारे में हम अब जानेंगे।